बजा दिया पकड़ के आरसीबी ने पंजाब को, बजा दिया पकड़ के विराट कोहली ने। आ गया भी आ गया, सबका बाप आ गया, आ गया भी आ गया, सबका बाप आ गया। विराट कोहली ने एक और 77 मार्क, एक्चुअली रन नहीं मारे, उसने 77 जूते मारे अपने हेटर्स के मुंह पर, क्योंकि जो लोग विराट कोहली के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, घंटे आजम के फैंस कहां गए, बेटा बाहर आओ, नहीं 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 तुम कैमरे से निकल के आओ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूं, क्योंकि विराट कोहली ने आज अपने हेटर्स को एक और थप्पड़ मारा। विराट कोहली की इनिंग्स में गुस्सा था, तड़प थी, लगन थी, बल्ले से जैसे अंगारे बरस रहे थे, और क्या लाजवाब इनिंग्स वो खेले। मेरा तजुर्बा ये है कि जब आप गुस्से से लिखते हैं या गुस्से से बैटिंग करते हैं तो आप बेहतरीन तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और विराट में खुद एतमादी है, खुददारी भी बहुत है, और इसका आंसर जो है वो टीम में भी झलकता है। विराट कोहली क्या कहे इस बंदे के बारे में, और भाई कौन लोग हैं जो कह रहे हैं इसको T20 टीम में नहीं रखना, और खुदा का खौफ करो, मतलब कि नजर नहीं आ रहा है एक लड़के ने आते साथ आज वो तेज खेला है, उसके बाद जो विकेट भी लेता है उससे थोड़ा अपने आप को स्टेबल किया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भाई वो बंदा आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। दिनेश कार्तिक DK नाम तो आपने सुना होगा, और बार बार ये बंदा दिखा चुका है कि ये कितना कमाल का और कितना बड़ा जो है ये बंदा फिनिशर, और आज फिर से जो पंजाब किंग्स की धुलाई कर डाली है DK ने, और ये मैच जो है पंजाब किंग्स के मुंह से छीन लिया लमरोर ने DK ने, और साथ में किंग विराट कोहली ने, और RCB को इस सीजन में पहली जीत जो मिल चुकी है भाई। Oh my God, another cracking thriller of this IPL, what a match! मजा आ गया भाई, great of all time, God, the father, the abuji of cricket, the king विराट कोहली की RCB ने पंजाब किंग्स की भाई बजा के रख दिया यार, मजा आ गया, दिल खुश करके रख दिया यार, ये होता है विराट कोहली, कहा है भाई निकलो सालो बाहर निकल के आओ, विराट कोहली के हैटर्स पिछले मैच में रचिन से सीखो, एंकर रोल प्ले कर रहे हो, उसको अग्रेसिव दिखा रहे, देखे ना जी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, भाई बजा के रख दिया उसने, शटअप कर दिया है, तुम लोगों के मुंह पे चिपड़े मार दिए हैं, लतार मार दिए हैं। विराट कोहली ने आते साथ जिस तरह पहले एक ओवर में 4 चौके मारे सैम कुरन को, वहां से विराट कोहली ने अपनी अटेंशन क्लियर कर दी कि भाई किंग कोहली को रोकना इम्पॉसिबल है, और वही बात हुई, विराट कोहली 77 तक मतलब उसने बारी खेली, और अक्षर पटेल को भी उन्होंने 2 कुछ चौके मारे थे, और सिंगल करके जब दोबारा सामने आए तो भाई आप फिर हिट करने जा रहे हो यार, ना करो विराट कोहली, अभी 4 ओवर पड़े थे पीछे। आज मुझे कन्फर्म 100 लग रहा था कोहली का, लेकिन कोई बात नहीं, अगली मैच में देख लेंगे, लेकिन जिस तरह से उसने आज मतलब नाइटमेयर्स बने हुए थे ना किंग्स 11 पंजाब के बॉलर्स के लिए, देखकर मजा आ रहा था। लेकिन एक बंदा था जिसने पूरा मैच बनाया, एक बंदा था जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक खेलता रहा, एक वो बंदा है जिसको कुछ घंटे के बच्चे कहते हैं आगे कि भाई वो तो T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं है, वो तो जी T20 की टीम में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो तो स्लो खेलता है, वो तो ये खेलता है, पुत्र अर्शदीप को, सैम कुरन को, रबाडा को किस किस ने निकल निकल के मारे हैं, और उसको जो है वो हर्षल पटेल वो निकल निकल के मारे हैं, 15 करोड़ 14 करोड़ को पेलता रहा वो पकड़ गए, पहला उसने पकड़ गए, जितने भी ये पंजाब में 14 करोड़ 15 करोड़ 11 करोड़ जितने भी थे उसने सबको पकड़ के बजा दिया उधर ही, उसने सबका पकड़ के उधर ही घंटा बजा दिया, और उसने बता दिया कि बेटा मेरे से बेहतर आज भी चेंज कोई नहीं करता। दिनेश कार्तिक हेट्स ऑफ टू दिस मैन, जिस तरीके से उसने आई थिंक 10 बॉल पे 27 रन किए, तो यार कमाल कर दियो, लास्ट ओवर में जैसे उसने छक्का लगाया चौका लगाया, अर्शदीप साहब देख रहे हैं खड़े के भाई अर्शदीप को पता लगना चाहिए कि जो बूढ़ा शेर है भाई वो इन दी एंड बूढ़ा ही होता है, और वो गेम डाल गया। विराट कोहली आज उन्होंने जो इनिंग खेली, बहुत से लोगों के लिए नई इनिंग होगी, बट मेरे लिए तो रूटीन है कि ऐसी बहुत सी इनिंग्स उन्होंने खेल चुके हैं, और खासकर चेस मास्टर उनको कहा जाता है, चेस मास्टर फॉर अ रीजन ऑफ कोर्स, हर तरफ कोहली कोहली के नारे लग रहे थे, हालांकि देखिए ना कि वहां पे बाकी प्लेयर्स भी थे, इंडियन प्लेयर्स जो स्टार प्लेयर है शेखर धवन है, इसके अलावा दूसरी टीमों के भी थे, लेकिन विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इतनी है, लोग इतना सपोर्ट करते हैं, यही वजह को हमेशा मायूस नहीं करते, अब देखें एक आधा मैच उनका गंदा गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, RCB को अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया टारगेट में, इसे कहते हैं यार कोहली को वाकई चेस पसंद है, और कोहली ने आज यार दिल जीत लिया, माल का मैच हुआ भाई, आखिरी ओवर तक ये मैच गया, लेकिन RCB के लिए दिल जो खुश हो गया भाई, और आज किंग कोहली की वापसी हो चुकी है, विराट कोहली, कहां पर है वो लोग जो बकवास कर रहे थे पिछले मैच के बाद कि कोहली ने जो है वो 20 बॉल खेल के 21 रन बनाए, भाई सेल्फिश है कोहली और अपने लिए खेलता है कोहली, तो पता नहीं क्या 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 आज सबके मुंह में जो है जूता थोंक दिया विराट कोहली ने, और मुंह बंद कर दिया सब क्रिटिक्स का जो विराट कोहली पे बिला वजह जो अपनी तीर और अपनी तलवारें लेके बैठे हुए थे, आज जो विराट कोहली ने उनके मुंह पे चुप्पी लगा दिया कि भाई बंद कर दो मुंह, मैं आज भी अगर क्रिकेट खेलना छोड़ दूं ना मैं लेजेंड हूं। अरे लोग बॉलिंग कर रहे हैं, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली जो थोड़ा पीछे जाते हैं शॉर्ट बॉल होती है, और ये वाला छक्का MCG के अंदर वो छक्का मारा था ये वाला समय, और आज भी कुछ ऐसा ही सीन था, तो आज विराट ने बोला कि सारा हर बार माइका को करेगा, मैं अपना काम करेगा, और बाकी दिनेश कार्तिक को बोलेगा कि वो फिनिश करे। अगर दूसरे लेजेंड सचिन तेंदुलकर से इनका मुआवजा किया जाए तो सचिन चुपचाप जो थे वो सुपर स्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे, ये एक्सप्रेसिव और एक्सप्लोसिव है विराट कोहली, और इनिंग्स को पटरी पे डालने के लिए थोड़ी सी लक की जरूरत थी, कभी बॉल इन्होंने इनिशियली अंडर एज किया, कभी टॉप एज
लगी, मगर उसके बाद जब इनिंग्स पटड़ी पे चल गई तो फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग विराट कोहली। इसलिए कि कवर के ऊपर से जो छक्के लगाए उन्होंने, ये बड़ा ही मुश्किल एंगल होता है, मगर बहुत ही आराम से इन्होंने इम्पॉसिबल एंगल्स क्रिएट किए। उसके बाद जो ये हाफ फ्लिक करते हैं मिड विकेट से, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कहा हो, चल भाई मुझे तेरी बॉल की अहमियत नहीं है। कुछ इस तरह से डिसमिसिव खेला इन्होंने वो एंगल, वो भी बहुत ही मुश्किल एंगल है। जब तक कि आपकी रिस्ट स्ट्रांग नहीं होगी, आप ये हाफ लेग से मिड विकेट पे छक्का नहीं लगा सकते, खासतौर पे स्लोअर बॉल के खिलाफ। विराट कोहली ने जिस गेयर में स्टार्ट लिया था, जिस गेयर में उसने अपना 50 किया था, यह तो उसने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दी कि यार ये साले टिकड़े नहीं है साथ, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसी बजाता वो जिस फॉर्म में था, जिस एग्रेशन में था, उसने ना मजा आ जाना था भाई, फैंस को पता लग जाता कि भाई भले उसने मैचेस नहीं खेले, वो रिदम में नहीं हो, क्या हुआ, वो बड़ा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है। और यही निशानी होती है, सारे एजेंडा मैकर्जी वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती, एंकर रोल, वो देखे ना वो वाला सेमीफाइनल, वो वाला फाइनल, 50 किया, 70 किया, भाई ये देखो अब जा रहे हैं रन के साथ वर्ल्ड कप में, और तुम लोगों की बजा के आएगा अपने हैटर्स की उन्हें बताएगा। इससे बेहतर आज भी चेज कोई नहीं करता, और वो मेरे सामने वो सोनू पीली चप्पल टाइप के घंटे निकल गया हो ना, मेरे सामने वो घंटे निकल गया हो जो बकवास करते हो बैठ के कि विराट कोहली पिछले मैच में 20 रन पे आउट हो गया था। उतर आपके अब्बू ने आज जो किया वो तो देखा होगा, आपके अब्बू ने आज जो किया वो आपने देखा होगा ना, आज जिस तरह उस बंदे ने इनिंग को लेके वर्ल्ड तक ले गया, ना वो मैक्सवेल टुला चलाया, ना वो फैफ डुप्लेसी चलाया, ना वो कैमरन ग्रीन चलाया, ना रजत पाटीदार चलाया, अकेला विराट कोहली खड़ा रहा एंड पे, डीके ने आगे मैच को खत्म किया। देखो दिनेश कार्तिक ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, लेकिन जिस बंदे ने मैच को बनाया उसका नाम है विराट कोहली, जिस बंदे ने मैच की बजाइयां पकड़ के पंजाब की उस बंदे का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली का आज दिन भी होगा, जी हाँ विराट कोहली का आज दिन होगा। आपको याद होगा जब जब हमने इस नाचीज बंदे ने कहा है कि आज कोहली का दिन होगा, तो उस कोहली का दिन आज हुआ है। तो बेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कमबैक तो उसने करना ही, अगर एक आधी इनिंग में वो आउट हो जाता तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर को पीछे ले जाएंगे। वो एक चेज मास्टर है, बेस्ट बैट्समैन है, जिस तरह से आज के मैच में उसने चेज किया है, जिस तरह से वो इनिंग को लेके चला है, बैक टू बैक विकेट दूसरे एंड से गिर रही थी लेकिन वो चलता ही गया, पहले उसने 50 किया, उसके बाद उसकी फर्दर इनिंग बिल्ड होती गई है, जिस तरह से उसने आरसीबी को इस मैच में जीत दिलाई है, यूं लगता है कि आरसीबी के लिए टाइटल जीतने में सबसे अहम किरदार विराट कोहली का होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर किसी टीम में है तो जीत उसका मुकद्दर बनती है। मैं आपको हमेशा से ये बात करता आ रहा हूं कि विराट कोहली जैसा टैलेंटेड प्लेयर, विराट कोहली जैसा गॉड गिफ्टेड प्लेयर, यकीन करो दुनिया में या जिंदगी में वर्ल्ड में एक बार ही आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, केवन पीटरसन को तो सुनते हो ना, केवन पीटरसन ने पता क्या स्टेटमेंट दिया, कमेंट्री करते क्या बात कर रहा था सर, उसने बात की है कि विराट कोहली जब रिटायर हो जाएगा ना तो तब आप लोग ये सोचोगे और ये बात करोगे इससे बेहतर फिनिशर भी कोई नहीं था। मतलब विराट कोहली मैच जितवाता भी है, विराट कोहली मैच बनवाता भी है, विराट कोहली मैच जो है वो चेस भी करता है, विराट कोहली मैच को फिनिश भी करता है। एक विराट कोहली क्या क्या नहीं करता, एक विराट कोहली क्या क्या नहीं करता, एक विराट कोहली किस किस की नहीं पकड़ के बजाता, एक विराट कोहली किस किस की पकड़ के, किस किस का पकड़ के घंटा नहीं बजाता पकड़ के, मुझे बता दो ना, निकल गया हो ना। आरसीबी की ये जो व्यूअरशिप है निकल के आई, जो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, मतलब भाई दिल जीत लिया इतने लोग, अबे भाई मैं बोलूंगा हैरानी की बात है, क्या फ्री में, क्या आरसीबी वाले जो है ये टिकटें वगैरह नहीं लेते, नहीं आईपीएल में टिकटें वगैरह नहीं होते, फ्री में लोगों को एंट्री दी जाती है, क्यों, अबे स्टेडियम को देखो, और स्पेशली जो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेडियम रेड एंड ब्लू कलर का चिपका हुआ था, क्यों, क्योंकि आरसीबी का होम ग्राउंड और आरसीबी की फैन फॉलोइंग, और जहां पर आरसीबी की फैन फॉलोइंग हो, आरसीबी का नाम और विराट कोहली जगह पर मौजूद है, विराट कोहली कभी भी किसी को निराश नहीं भेजता। याद रखो विराट कोहली ने आज भी यहां पर उनके पैसे वसूल कराए, स्पेशली मेरे पैसे वसूल कराए, क्योंकि मैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये आईपीएल देख रहा हूं बहुत ज्यादा पैसे भर के, तो भाई ये होता है, देखो अब करना पड़ता है, और आज मेरे पैसे वसूल हो गए। विराट कोहली ने इनिंग खेली, आरसीबी मैच जीता, पंजाब किंग्स को हराया, भाई यकीन करो वन ऑफ द बेस्ट डे इन आईपीएल हिस्ट्री। और फिर से विराट कोहली का दिन था, होली के दिन कोहली का दिन था, और विराट कोहली ने वो काम जो है वो करके दिखा दिया जो विराट कोहली से हमेशा उम्मीदें लगाई जाती हैं। और जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लमरोर को बुलाया गया, और क्या कमाल की बैटिंग किया, 17 रन 8 बाले, 2 चौके, 1 छक्का जो है इसने लगा दिया। और दिनेश कार्तिक यार, ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है, यकीन मानने ना ये हार मानता है भाई, और ना ही जो है ये टीम इंडिया की जान छोड़ता है, और हर बार जो है वापसी करता है, और वापसी इस तरह से करता है कि कमाल हो जाता है। बोल रहा था यार, जरा बोलो तो सही विराट कोहली को कि भाई तुम टेंशन ना लो, तो मारो तो वो ऐसी बजाएगा, वो बताएगा आपको कि भाई किस तरह से खेली जाती है T20 क्रिकेट। यार वैसे ही ग्रेट ऑफ ऑल टाइम किंग गॉड को ये इमोशनल हो गए, लोगों ने नहीं दे दिया, चलो माना इंडिया में कोई फैंस ने दे दिया, एक बंदे के ऑल अक्रॉस द ग्लोब फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो भाई उस बंदे में कोई बात है, उसमें कोई चीज है, क्या कमाल की बैटिंग करी, और देन व्हाट अ फिनिश यार। विराट कोहली ने तो किया ही किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले की, जिस तरह से वो लेके चल रहा था कमाल था, बट व्हाट आ फिनिश। आज जो बंदा वो इनिंग खेल के गया ना,
उसके बाद किसी का अब्बे के मुंह से मैंने अल्फाज सुने ना विराट कोहली के अगेंस्ट, क्या विराट कोहली, विराट कोहली ये, विराट कोहली वो, विराट कोहली ये, विराट कोहली की जगह नहीं बनती। उत्तर मैं भजा दूंगा पकड़ के, मैं भजा दूंगा पकड़ के। उस बंदे ने आज देखो, एक होता है टुल्ला, ये जिस तरह मैक्सवेल है, जिस तरह ये मैक्सवेल है, ये टुल्ला है, ये टुल्ला आगे करता है बैटिंग। लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने आगे बैटिंग किया ना आज सर, उसने प्रॉपर स्टाइलिश लुक में बैटिंग किया आगे, प्रॉपर उसने क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, जिस तरह उसने सैम कुरन को जो है निकल निकल के मारे हैं। जॉनी ब्रेस्टो मेरे जॉनी सीन सर, तूने पता विराट कोहली के साथ 2022 में पंगा लिया था, तूने विराट कोहली के साथ 2022 में पंगा लिया था, उससे अब तक तू जलील हुआ है। आज तो तूने कोहली का कैच भी छोड़ दिया, आज तो तूने अपने अब्बू का, आज तो तूने अपने अब्बू जी का कैच भी छोड़ दिया, तो आज उसने तुझे पकड़ के बजा भी दिया, आज उसने तुझे पकड़ के लटका भी दिया। पीएसएल में आपको ऐसे मैचेस देखने को ही नहीं मिलते, बल्कि पीएसएल में तो लोग देखने नहीं जाते, अगर होते भी होंगे तो किसको पता है, किसी को पता ही नहीं होगा। क्यों ऐसे मैचेस जिस दिन हमने करा लिए ना भाई, हमारी पीएसएल भी हम कह सकते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है, फिलहाल तो 11वें 12वें नंबर के ऊपर है, लेकिन जब पहुंचेगी तो पहुंच जाएगी। विराट कोहली यार इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है मेरी। आप देखे जो आप वक्फे के बाद आया, एशिया कप में कमाल किया, उसके बाद वर्ल्ड कप में जो है वो 700+ रन बना दिए, लास्ट आईपीएल का जो सीजन था उसमें जो है 600+ रन बना दिए, और इस सीजन में पहले मैच में 21 रन बनाए 20 बॉलों पे, बहुत सारे जो है बरसाती मेंढक निकल के आए कि विराट कोहली स्लो खेला है भाई, ये किया वो किया, लेकिन विराट कोहली ने अगले ही मैच में आके जो है वो कमाल की इनिंग्स खेली है।